नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं विस्तार से कि शनि की कृपा से किस प्रकार से आपकी नौकरी में अगर दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो वो दूर हो जाएंगी। शनि की कृपा पाने के लिए आपको कौन कौन से तमाम उपाय करने हैं, विस्तार से बातचीत करेंगे पंडित जी के साथ इस पर। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर शनि आपकी कुंडली का लाभकारी ग्रह है या शनि की वजह से आपको लाभ हो सकता है, तो शनि संबंधी वस्तुओं का दान कभी मत करिएगा। शनि अगर लाभ पहुंचा सकता है या लाभ पहुंचाता है आपको, तो शनि की वस्तुओं का दान नहीं करेंगे। केवल शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए आप पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक शनिवार की शाम को जला सकते हैं, ये कोई भी जला सकता है। लेकिन शनि का दान ऐसी स्थिति में मत करिएगा जब शनि आपके लिए लाभकारी होता है तो। और चलिए इसी के साथ जान लेते हैं पंडित जी से 29 जनवरी के पंचांग के बारे में। दिनांक 29 जनवरी 2023, दिन रविवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः काल 9:05 तक, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र रात के 8:21 तक, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। आज का अहम विषय है जो आपके रोजगार के साथ जुड़ा है। पंडित जी, ये बताइए कि शनि का रोजगार से आखिर संबंध क्या है? जी देखिए, एक बात समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भी काम हो, कोई भी करियर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, उसके पीछे शनि होता है। शनि आपके प्रोफेशन का, आपके रोजगार का कारक है। जीवन में हर तरह के कर्म और उसके फल से शनि का सीधा संबंध होता है। आप किस तरह के कर्म करेंगे ये शनि निर्धारित करता है। यानी आपकी कुंडली में शनि को देख करके हम ये जान सकते हैं कि आपके कर्म कैसे होंगे, आपका रोजगार कैसा होगा। अगर शनि अनुकूल है तो कर्म क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर आपका शनि अच्छा है, अगर आपका शनि अनुकूल है, तो आपका करियर कोई भी हो, उस करियर में आपको सफलता मिलेगी और किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी। सामान्यतः आप आसानी से अपने करियर में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कुंडली में शनि नकारात्मक हो, निगेटिव हो, तो रोजगार में कदम कदम पर बाधाएं आती हैं। हर मोड़ पर व्यक्ति को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर आप शनि के सरल उपाय करें तो नौकरी की हर समस्या को आप दूर कर सकते हैं। तो मुख्य बात आप ये समझिए कि आपका रोजगार कैसा होगा, रोजगार की स्थिति कैसी रहेगी, ये हम शनि को देख करके जान सकते हैं। और खास तौर से आपकी नौकरी कैसी रहेगी, नौकरी कब मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, इसमें भी शनि की एक बड़ी भूमिका होती है। अब अगर शनि कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो जिस क्षेत्र में आप नौकरी करेंगे वहां पर आपको समस्या होगी। नौकरी पाने से लेकर के नौकरी चलाने तक मुश्किल आपको परेशान करेगी। और इसके लिए आप शनि के छोटे छोटे सरल उपाय कर सकते हैं। और अगर आप शनि के छोटे छोटे सरल उपाय करते हैं तो इस स्थिति में आप अपनी नौकरी को, अपने करियर को बेहतर
बना सकते हैं। तो शनि से जुड़े हुए छोटे छोटे उपाय आपको क्या करने हैं, आगे शो में आपको विस्तार से बताएंगे। अब बारी आती है राशिफल पर लौटने की। पंडित जी, सबसे पहले पहली तीन राशियों का हाल जान लेते हैं आपसे कि इनका वक्त कैसा रहेगा। मेष राशि, आर्थिक रूप से आपके जीवन में मजबूती आती दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है और इस समय किसी अतिथि का आगमन भी आपके घर पर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काफी सारी व्यस्तता रहेगी आपकी, स्वास्थ्य का ध्यान आप अपने बनाए रखिए, वाद विवाद से इस समय बचाव करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, कोई बड़ा काम इस समय आपका बन जाएगा, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। एक लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को समर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, अब वक्त हो चला है आप सभी के सवाल लेने का। और सबसे पहले इस शो का आज का पहला सवाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल लेंगे। पंडित जी जी, पहला प्रश्न हमें स्निग्धा ने लिखा है। स्निग्धा हमें अहमदाबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1994। जन्म का समय है दोपहर के 2:35 और जन्म का स्थान है अहमदाबाद। स्निग्धा कह रही हैं कि कुछ समय से ये नौकरी कर रही हैं और नौकरी में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, तो नौकरी की बाधा को मैं किस तरह से दूर करूं और आने वाले समय में मैं पढ़ाई करके अपनी स्किल को, अपनी चीज़ों को और बेहतर करना चाहती हूँ, तो मुझे किस तरह की पढ़ाई में जाना चाहिए। स्निग्धा, सबसे पहले आपको यही कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए। अभी नौकरी के लिहाज से समय बहुत अच्छा नहीं है, तो अगर आप अभी पढ़ाई के लिए आगे जाना चाहें, मैनेजमेंट करना चाहें, खासतौर से फाइनेंस के सेक्टर में या एचआर के सेक्टर में अगर आप मैनेजमेंट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में करियर के बहुत अच्छा होने की संभावना 2025 में दिखाई देती है और वहां से आपका जीवन और आपका करियर बहुत अच्छा होगा। अभी अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लेनी चाहिए। क्या उपाय करें अपनी आने वाली शिक्षा के लिए, आने वाले बेहतर समय के लिए? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा, तो एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लीजिएगा। इसके अलावा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, आज के विषय पर वापस लौटते हैं और पंडित जी से जानते और समझते हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं, कोई काम करते हैं, उस नौकरी के दौरान किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो शनि से जुड़े हुए कौन से उपाय करने चाहिए पंडित जी, वो बता दीजिए। सबसे पहली जो समस्या है वो शुरुआत होती है नौकरी मिलने से, कि आपने पढ़ाई कर ली, आप योग्य व्यक्ति हैं, आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं,
लेकिन आपको नौकरी मिलने में समस्या आ रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्या उपाय करेंगे? शुक्रवार को काले चने पानी में भिगा लीजिए, शनिवार को सुबह के समय इनको केवल सरसों के तेल में पका लीजिए, ना तो इसमें मसाला डालिए और ना ही इसमें नमक डालिए। शनिवार को इस चने को गाय को, भैंस को, किसी पशु को खिला दीजिए। ये प्रयोग आपको लगातार 3 शनिवार करना है। अगर ये प्रयोग आप लगातार 3 शनिवार करते हैं, नौकरी की संभावनाएं अगर बनी हुई हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय को करने से नौकरी मिलना आपके लिए आसान हो जाएगा। और याद रखिए, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि शनिवार को मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। अगर ये उपाय किया जाए तो निश्चित रूप से नौकरी मिलना सरल होता है और नौकरी आसानी से मिल जाती है। देखिए, नौकरी को दूर करने के, नौकरी में दिक्कत आ रही हो तो उसको दूर करने के उपाय आपने पंडित जी से जान लिए। अब ये बात करते हैं कि नौकरी तो आप करते हैं, आप काम तो करते हैं, लेकिन आपको उस काम से संतुष्टि नहीं मिल रही, या फिर योग्यता के आधार पर आपको काम नहीं मिल पा रहा, नौकरी नहीं मिल पा रही, फिर शनिदेव को कैसे प्रसन्न करना चाहिए पंडित जी? बहुत बार ऐसा होता है कि मजबूरी में हम कोई नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हमारी कॉम्पिटेंसी, हमारी योग्यता ज़्यादा होती है और योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिल पाती। हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन किसी छोटी मोटी नौकरी में फंस जाते हैं और फिर बेहतर नौकरी अपनी योग्यता के हिसाब से नहीं मिल पाती। क्या करना चाहिए? शनिवार की शाम को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर डाल लें और शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, कम से कम 108 बार या 10 मिनट तक इस मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद उसी तेल को दीपक में डाल करके पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला दीजिएगा। ऐसा प्रयोग 3 शनिवार आप करिए। 3 शनिवार को अगर आप प्रयोग करते हैं, दशाएं आपकी अनुकूल हैं और अगर ये प्रयोग आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिल जाएगी। एक बात जरूर समझिए कि अगर आप शनि के लिए कोई उपाय कर रहे हैं तो श्रद्धा पूरी रखिएगा, अपने खान पान का, अपने आहार का ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कि विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उपाय किया जाए। अगर आपके मन में संदेह होगा तो उपायों से बहुत लाभ की संभावना नहीं बनेगी। और चलिए, शनि देव से जुड़े हुए तमाम उपाय और क्या करने हैं आपको आगे शो में बताते जाएंगे विस्तार से। अब बारी आती है वापस राशिफल पर लौटने की। अगली 3 राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बता दीजिए। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा, शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है, इस समय कहीं पर घूमने जा सकते हैं, मनोरंजन पर आपका धन खर्च होगा। भगवान सूर्य को अगर एक लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि,
स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। परिवार में इस समय अशांति हो सकती है, संतान पक्ष की चिंता आपको परेशान कर सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं, राशिफल पर भी वापस लौटेंगे। आप सभी के सवाल लेने का वक्त हो चला है, तो पंडित जी कौन से दर्शक का सवाल? जी अगला प्रश्न हमें विक्रम कुमार जी ने लिखा है। विक्रम कुमार जी हमें झारखंड से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 जून 1975। जन्म का समय है दोपहर के 2:05 और जन्म का स्थान है रांची, झारखंड। विक्रम जी कह रहे हैं कि व्यापार में कर्जा भी बहुत हो गया है और पैसा भी बहुत सारा फंस गया है, जिस वजह से व्यापार रुक गया है। तो कर्जा कैसे चुकाएं, पैसा कैसे निकालें और आने वाले समय में व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, इस बारे में जानना चाहते हैं। विक्रम आपको मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी अगस्त 2023 तक का। अगस्त 2023 के बाद से आपका समय बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां से इस बात की संभावना बन रही है कि आपके फंसे हुए पैसे भी निकल पाएंगे और आप अपना कर्जा भी चुका पाएंगे। ये संभावना अगस्त 2023 के बाद से बनती है। आपका व्यापार पूरी तरह से जो बेहतर होगा, पूरी तरह से जो अच्छा होगा, वो साल 2024 में दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, ये वाली स्तुति सुबह और शाम दोनों समय आपको पढ़नी चाहिए। दूसरा काम करें, हर मंगलवार को गुड़ का या मीठी चीज का दान करें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। और चलिए आज के विषय पर लौटते हुए बात करते हैं। देखिए, आप काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप खुश नहीं हैं, एक ही स्थान पर रुक गए हैं, तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए पंडित जी, वो बताइए। बहुत बार ऐसा होता है कि नौकरी भी मिल गई, नौकरी ठीक भी है, लेकिन लंबे समय से नौकरी में टिके हुए हैं और एक ही जगह पे टिके हुए हैं, ना प्रमोशन हो रहा है, ना इंक्रीमेंट हो रहा है, ना डेवलपमेंट हो रहा है, क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालिए, किसी भी पुराने पेड़ के जड़ के पास जाइए और वहां पर थोड़ा सा आटा डाल दीजिए, चींटियां वहां रहती हैं, वो आपका आटा खाएंगी। मछलियों को शनिवार को आटे की गोलियां भी डालिए, ये भी बहुत अच्छा होगा। और इस दिन मीठी चीजें मत खाइए। जिस शनिवार को ये उपाय करेंगे, चींटियों को आटा और मछलियों को दाना या गोली आटे की डालेंगे, उस दिन आप मीठी चीज मत खाइएगा। ये प्रयोग लगातार हर शनिवार के शनिवार आपको करते जाना चाहिए। अगर ये प्रयोग आप लंबे समय तक हर शनिवार को करते हैं तो नौकरी में उन्नति की संभावनाएं बन जाती हैं। याद रखिए कि जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, खास तौर से मीट मछली आदि खाते हैं, वो ये उपाय अगर करेंगे तो वो नॉनवेज त्याग देंगे, नॉनवेज का प्रयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये उपाय कर रहे हैं। एक तरफ मछली को दाना डालेंगे और दूसरी तरफ मछली का आहार ग्रहण करेंगे, ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं होगा। इसलिए ये उपाय लंबे समय तक हर शनिवार को करिए। लगभग 3 शनिवार के बाद से ही आपको शुभता की सूचना मिलना या फायदे होने की संभावना दिखाई दे जाएगी। तो ये उपाय आप किसी भी शनिवार को करें, आपको लाभ अवश्य हो।
देखिए, हम सभी काम करते हैं, हम सभी नौकरी करते हैं, तो नौकरी में हर शख्स यही चाहता है पंडित जी कि उसको सफलता मिले। तो सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, आप किसी भी तरह की नौकरी करते हों, आप सबसे छोटी नौकरी करते हों, सबसे टॉप पोजीशन पर हों, दोनों ही स्थितियों में नौकरी किसी भी तरह की हो, उसके पीछे जो ग्रह होगा वो होगा शनि। इसलिए अगर आप शनि को प्रसन्न रखते हैं, शनि संबंधी तीन उपाय करते हैं, तो आपको नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी में उन्नति करने में दिक्कत नहीं होगी। पहला उपाय ये है कि एक लोहे का छल्ला जरूर पहनिए। आप बड़ी नौकरी करते हो, आप छोटी नौकरी करते हो, राइट या लेफ्ट हैंड की बीच वाली उंगली में एक लोहे का छल्ला जरूर पहन लीजिएगा अगर आप नौकरी करते हैं तो। दूसरे नंबर पे हर शाम को, रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप हमेशा करते रहिएगा, रोज शाम को या रोज रात को। इससे नौकरी स्टेबल तरीके से चलती रहेगी और नौकरी में आपकी उन्नति हो, नौकरी में आपकी तरक्की हो, आपको शत्रु और विरोधी परेशान ना करें, इसके लिए हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। तो अगर ये उपाय कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति करे तो नौकरी से संबंधित बाधाएं सामान्यतः उसको परेशान नहीं करेंगी। अब देखिए, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही, उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं? पंडित जी ने बता दिए, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रही, आप एक जगह रुक गए हैं, उसके बारे में आपने जान लिया। अगर नौकरी में आपको मनचाहा स्थान चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर चाहते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए पंडित जी? आप नौकरी ठीक कर रहे हैं, अच्छे पद पर है, अच्छा पैसा है, लेकिन अपने घर से दूर हैं, या आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर किसी खास जगह पर हो जाए और वहां पर नहीं हो पा रहा है, क्या करेंगे? हर शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जब दीपक जल जाए तो दीपक के पास खड़े होकर के शनि चालीसा का एक बार पाठ करें और उसके बाद प्रार्थना करें कि आपका मनचाहा और आपका बेहतर स्थान परिवर्तन हो जाए। ये प्रयोग आपको तीन शनिवार लगातार करना है। आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन तीन शनिवार ये प्रयोग करने से आपका स्थान परिवर्तन आसानी से हो पाएगा। एक बात जिसका आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये प्रयोग आप लंबे समय तक कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि हर बार ट्रांसफर की प्रार्थना मत करिएगा, वरना आपका लगातार ट्रांसफर होता रहेगा। ट्रांसफर एक बार हो जाए उसके बाद भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रयोग को करने से घर में रहने वालों का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। और इस प्रयोग को करके अगर आप शनि चालीसा पढ़ें और अपने स्थान परिवर्तन की प्रार्थना करें तो आपका स्थान परिवर्तन आसानी से हो जाएगा। और चलिए, इसी के साथ राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हुए अगली तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं। तुला राशि, अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर भी होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, नए काम का योग बन रहा है इस समय, परिवार में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य इस समय में हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
धनु राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, सेहत आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से जल्द ही जानेंगे। अब वक्त हो चला है आप सभी के सवाल लेने का। तो पंडित जी, कौन से दर्शक का सवाल है? जी, अगला प्रश्न हमें विनोद कुमार जी ने लिखा है। विनोद कुमार जी हमें दिल्ली से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 मार्च 1972। जन्म का समय है सुबह के 8:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। विनोद कुमार जी लिख रहे हैं कि प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को बेच करके, छोटी प्रॉपर्टी है उसको बेच करके नई और बड़ी संपत्ति लेना चाहते हैं। इसकी संभावना क्या है और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? विनोद जी, वैसे तो संपत्ति के लिए किसी उपाय की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी साल के अप्रैल के बाद आप अपनी पुरानी संपत्ति बेच देंगे और नई संपत्ति खरीद लेंगे। ये संभावना आपके लिए जरूर बनती है, पहली बात। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको इस साल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत बढ़िया नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य बेहतर हो और संपत्ति का लाभ भी हो सके? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पति व शुक्रवार को शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा, तो आप एक ओपल बनवा के जरूर पहन लें। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए आज के विषय से ही जुड़ा हुआ एक और अहम सवाल, वो ये कि आप काम करते हैं लेकिन काम से आप निकाले जा चुके हैं और बहाली को लेकर कोई विवाद चल रहा है या फिर कोई केस चल रहा है, तो उस अवस्था को सुलझाने के लिए या मुकदमे से बचने के लिए पंडित जी क्या करना चाहिए? अगर आप नौकरी से निकाल दिए गए हों, आपको टर्मिनेट कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, और आप उसके लिए मुकदमा लड़ रहे हैं या आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, क्या करना चाहिए? शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइएगा शनिवार की शाम को, और इसके बाद वहीं पर खड़े होकर के या बैठ करके शनि मंत्र का 108 बार जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करिएगा और ये प्रयोग 11 शनिवार को आप कर लीजिएगा। आपकी नौकरी की जो भी समस्या है, जो नौकरी को लेकर के मुकदमेबाजी है, विवाद है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। इस उपाय के साथ एक बात जरूर समझिए कि अगर आपको बेवजह निकाला गया हो, आपने कोई गड़बड़ी ना की हो, फिर भी आप मुकदमे में फंस गए हो, तभी ये उपाय काम करेगा। आपने गड़बड़ी की हो, आपने बेईमानी की हो और गड़बड़ किया हो, पैसों रुपयों का हेर फेर किया हो और उसके बाद आपको निकाला गया हो, तो गलत काम करने वाले को इससे लाभ नहीं होगा। लेकिन बेवजह अगर आप फंस गए हैं, बेवजह मुकदमे में चले गए, बेवजह आपकी नौकरी चली गई, तब ये उपाय आपके लिए बिल्कुल ठीक काम करेगा। और चलिए इसी के साथ अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का वक्त कैसा रहेगा पंडित जी? मकर राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय थोड़ा बनाए रखिएगा। नौकरी में कुछ परिवर्तन आपके हो सकता है और नए काम की शुरुआत से इस समय आपको बचना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, बेवजह की चिंताएं आपकी दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी, करियर में कोई नई शुरुआत इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए पहुंच गए हैं शो के अंतिम पड़ाव की तरफ और ले लेते हैं आज के शो का अंतिम सवाल। आज का अंतिम जो प्रश्न है वो निशांत जी ने हमें लिखा है, बंगलुरु से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 अगस्त 1988। जन्म का समय है रात के 11:40 और जन्म का स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश में। लिखते हैं बंगलुरु से निशांत, हमें लिख रहे हैं कि ये विदेश जाना चाहते हैं, नौकरी के सिलसिले में विदेश जाकर के काम करना चाहते हैं, उसमें सफलता कब तक मिल पाएगी। निशांत, आपकी कुंडली के हिसाब से आप विदेश जाएंगे भी, विदेश में जाकर लंबे समय तक नौकरी करेंगे भी और विदेश में बढ़िया परफॉर्म करेंगे, ये संभावना आपके लिए बनती है। 2024 के मार्च के बाद आप विदेश जाएंगे और विदेश में जाकर के लंबे समय तक रहेंगे, लंबे समय तक काम करेंगे। क्या उपाय करना चाहिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और जिन सभी लोगों का हैप्पी बर्थडे है 29 जनवरी को, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और पंडित जी से जान लेते हैं कि वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 29 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की जो समस्या है वो समस्या आपकी हल होगी, धन और कर्ज की स्थिति में आपके सुधार होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है, लेकिन इस साल आपको अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि ये साल सेहत के मामले में अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्रों का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, ये बताइए कि अगर आप काम करते हैं, आप किसी भी प्रकार की कोई नौकरी करते हैं, नौकरी में आपको दिक्कतें आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो उनको उन सभी कष्टों से निवारण के लिए आप क्या बताएंगे? अगर आपकी नौकरी चलना मुश्किल हो गया हो, आपका बॉस के साथ तालमेल नहीं है, सहयोगियों के साथ तालमेल नहीं है, ऑफिस की पॉलिटिक्स से परेशान हैं, यानी शनि ने आपको पूरी तरह से परेशान कर रखा है, नौकरी करना मजबूरी है और नौकरी करने में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, क्या उपाय किया जाए? एक पुस्तक आती है, उसका नाम है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। दशरथ कृत शनि स्तोत्र, महाराजा दशरथ के द्वारा जो शनि की प्रार्थना की गई वो दशरथ कृत शनि स्तोत्र में है। वो प्रार्थना रोज शाम के समय आप करिए, एक हफ्ते तक लगातार प्रार्थना करके देखिए, आपकी नौकरी की बाधाएं दूर हो जाएंगी। एक हफ्ते तक रोज शाम को पढ़िए और एक हफ्ते के बाद केवल शनिवार की शाम को इसको पढ़ते रहिएगा, आपकी नौकरी संबंधी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी।
और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनिवार को बाल मत काटो, शनिवार को नाखून मत काटो, ये कितना सही होता है। देखिए, शनि का संबंध होता है जीवन में डिसिप्लिन से, अनुशासन से। इसीलिए अपने आप को अगर आप साफ सुथरा रखना चाहते हैं, बाल कटवाते हैं, नाखून काट करके अपने आप को साफ रखते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। शनिवार को आप बाल और नाखून बिल्कुल काट सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से शनि नाराज नहीं होंगे और किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और चलिए वक्त हो गया है 29 जनवरी के शुभ पहर के बारे में जानने का। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 29 जनवरी 2023 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। इससे आपको नाम और यश की प्राप्ति होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 29 जनवरी रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए जैसे हर बार हर शो में हम आपको बताते हैं गुड लक राशि के बारे में, आज भी जान लेते हैं पंडित जी से कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको अलग अलग राशियों के रिश्तों और संबंधों के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है मिथुन जेमिनाई। सामान्यतः इनके रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते और अक्सर इनके जो इमीडिएट फैमिली है, भाई बहन है, पति पत्नी है, संतान है, उनके साथ भी दूरियां पैदा हो जाती हैं। अगर आपकी राशि मिथुन है और आप अच्छे संबंध चाहते हैं, अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करिएगा, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। अगर इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आज के शो में तमाम उपाय जानने के बाद अब बारी आती है जिसका आप सभी इंतजार करते हैं। आज का महा उपाय पूछ लेते हैं पंडित जी से कि कौन सा है। जी, अगर आप विदेश में परमानेंटली रहना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? रोज शाम को शनि के तांत्रिक मंत्र का जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। शनिवार को निर्धनों को अन्न या भोजन का दान करिएगा और एक 3 धातु का छल्ला, सोना चांदी और तांबे का एक छल्ला बनवा करके रिंग फिंगर में, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में, रविवार को सवेरे पहन लीजिएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए इस खास अंक में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, बाकी खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।